वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपको अपने वीडियो में बताऊंगी कि कैसे आप घर पे ही फेदर कट काट सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल मेथड है और आप आराम से कर सकते हैं। इस मेथड के लिए आपको ज़्यादा कुछ चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, सिंपली जब भी आपका मन करे तब कर सकते हैं। और मैं एक बात बताना चाहती हूँ आपको कि मैं पिछले आई थिंक मोर देन 2 ईयर्स से खुद ही अपने आप बाल काट रही हूँ और मैंने बहुत ही डिफरेंस देखा है। मेरे इवन हेयर लेंथ में, हेयर क्वालिटी में, सब में बहुत डिफरेंस आ गया है। क्योंकि पहले जब मैं पार्लर जाती थी तो मैं चाहती थी कि मेरे बाल का अच्छा सा शेप आ जाए या फिर अच्छे से कट जाए और ज़्यादा छोटे भी ना हो। बट जब भी पार्लर जाओ तो वो तो छोटे बाल करके रख देंगे और इवन कट भी इतना पता नहीं चलता। पहले दिन तो अच्छा लगेगा, फिर बाद में बाल जब आप धोते हो और दूसरे दिन से वो फिर नॉर्मल नजर आते हैं। एक तो आप इतनी मेहनत करके जाते हो धूप में और उसके बाद आपके इतने पैसे भी खर्च हो जाते हैं, 500 से 600 या जो भी जितने भी रेंज है। इससे बढ़िया है कि खुद आप अपने आप बाल काटो, क्योंकि आप बहुत अगर खुद काटोगे तो बहुत केयरफुली काटोगे कि मेरे बाल ज़्यादा छोटे ना हो जाए। अगर आपको लंबे बाल चाहिए और आप बहुत केयरफुल रहोगे अपने बालों के लिए तो उससे आपके बालों की जो क्वालिटी होती है वो इम्प्रूव होती है। इवन आपका टाइम बचता है, पैसा बचता है और इवन आपके बाल भी बच जाते हैं एक्स्ट्रा कटने से। तो चलो देखते हैं ये वीडियो और कैसे आप कर सकते हैं ये फेदर कट। सबसे पहले अपने सारे बालों को आप आगे कर लीजिए और फिर कंघी से सारे जो भी टैंगल्स हैं वो हटा दीजिए। उसके बाद आप एक रबर बैंड लेके आगे के सारे बालों को मार लीजिए। उसके बाद बालों को एक लेवल में सामने ले आइए और एंड की तरफ आप उसे पकड़ लीजिए। आप इसमें कोम भी यूज़ कर सकते हैं और मैं काटने के लिए ये ट्रिमर यूज़ कर रही हूँ, आप सीजर भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे बाल का लेंथ थोड़ा मोटा है इसलिए सीजर से काटने में प्रॉब्लम होती है, सीधे कटते नहीं है, इसलिए मैं ट्रिमर यूज़ कर रही हूँ। आप सीजर यूज़ कर सकते हैं और आप सीधे स्ट्रेट लाइन में बाल काट लीजिए। अगर आपको ज़्यादा छोटे करने हैं तो आप ज़्यादा छोटे भी कर सकते हैं। फिर से बाल लेंथ को मेजर करते हुए फिर से आप काट लीजिए, देख लीजिए कोई बाल आगे पीछे ना हो और एक लेंथ में आप काट लीजिए। ये फर्स्ट स्टेप है। इसके बाद आप चेक कर लीजिए कि बाल सीधे कट गए। उसके बाद सारे बालों को पीछे कर लीजिए, सब देखिए एक लाइन में कटे हैं। उसके बाद आप कान के ऊपर से आप बाल लीजिए। उनको भी फिर से डिटैंगल कर लीजिए अगर टैंगल्स हैं उनमें कोई। आप यहाँ पे रबर बैंड लगा सकते थे, मैंने यहाँ पे लगाया नहीं है तो उससे मैनेजेबल हो जाते हैं बाल। और फिर से आप नीचे के बालों को जितना आपको छोटा करना है आप कर सकते हैं और इसको एक लेवल पे सीधे सीधे काट लीजिए। ट्रिमर से बाल काटने में बहुत इजी होता है, आराम से बाल कट जाते हैं और ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये भी मेरे बाल कट गए हैं, देख लीजिए बराबर है। अगर कोई आगे पीछे आपको लगता है तो आप उसे और काट सकते हैं। उसके बाद आप चेक कर लीजिए और उसके बाद उन बालों को पीछे कर लीजिए। अब मैं थोड़ा सा फोरहेड के ऊपर से एरिया के बाल लूंगी और जैसे भी आपके बाल में आ फिर से उनको डिटैंगल कर लीजिए। और सीधे करके एंड पकड़ के आप बालों को सीधे सीधे काट लीजिए। ये आप पे डिपेंड है, आपको बाल ज़्यादा छोटे करने हैं तो आप बाल ज़्यादा काट सकते हैं। मुझे ज़्यादा छोटे नहीं चाहिए इसलिए मैं थोड़े थोड़े ही ट्रिम कर रही हूँ। इसके बाद देखिए बाल सीधे कट गए हैं और आपको कुछ प्रॉब्लम लगे तो आप और काट सकते हैं। अब मैं कान के पीछे से सारे बाल ले रही हूँ। फिर से उसे डीटैंगल करके आप उसको रबर बैंड से बांध दीजिए, क्योंकि ज़्यादा बाल हैं आप मैनेज नहीं होंगे इसलिए। और फिर से आप उसको मेजर करके, और जो भी बाल आगे पीछे हो रहे हों या फिर अनइवन हो, आप उनको बराबर कर दीजिए। देखिए बाल सब इक्वली कट गए हैं। इसके बाद रबर बैंड आप हटा सकते हैं। अब फिर से एक बार ऊपर के आप थोड़े से बाल ले लीजिए जो कि आपके फ्लिक्स के लिए यूज होते हैं। थोड़े से बाल काट ले लीजिए दोबारा से। मैंने थोड़े ज्यादा ले लिए, आप थोड़े से कम और ले सकते हैं बाल। और फिर से आप उसको रबर बैंड से बांध दीजिए और उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा बाल हैं आप उसे काट दीजिए। बस ये ध्यान रखिए कि बराबर इक्वल लेंथ में बाल कट जाए। देख सकते हैं कि देखो बाल कट गए हैं इक्वली। और आप फिर रबर बैंड हटा दीजिए और ये हमारे फाइनली हमारा कट ओवर हो गया है। और देखते हैं हम कटने के बाद बाल कैसे दिख रहे हैं। तो इस तरह से आपके बाल कुछ दिख कर आएंगे। मेरे थोड़े से कर्ली बाल हैं तो थोड़े कर्व्स दिखेंगे और अलग अलग फेदर की तरह आपके बाल दिखेंगे। होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर एवरीवन। बाय।